लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। लेकिन लोग बिना सावधानियों के सैनिटाइजर का यूज करने में लगे हुए। पिछले दिनों एक मामला सामने आया था, इसमें हरियाणा के रेवाड़ी के एक शख्स ने गलती से हैंड सैनिटाइजर अपने कपड़ों पर गिरा लिया है। असावधानी ये बरती कि रसोई गैस के पास खड़ा था, इस वजह से उसके कपड़ों में आग लग गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आज हम आपको बताते हैं कि क्यों सैनिटाइजर का इस्तेमाल सावधानी से करना जरूरी होता है। फिलहाल हर किसी को कोरोना वायरस का खतरा है, ऐसे में हाथ साफ रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स ने यूं तो 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने की सलाह देते हैं, मगर सैनिटाइजर का यूज समय काफी हो रहा है। इससे हाथ को डिसइंफेक्टेड करना आसान तो जाता है, मगर इसको यूज करने के लिए सावधानियां बरतना काफी जरूरी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार लोगों को एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। इनमें कम से कम 60% एल्कोहल होना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार सैनिटाइजर में 75% तक एल्कोहल होता है। यह ज्वलनशील होता है, इसका इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी जरूरी है। हर चीज को सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है, हाथ को सैनिटाइज करें क्योंकि इसमें नाक और मुंह संपर्क में आ जाता है। इससे बच्चों से को दूर रखें। मुंह पर जाने से काम जहर का काम भी करता है। घर में रहते हो इसका इस्तेमाल करने से बच्चे इसके स्थान पर पानी और अच्छे पीएच लेवल वाले साबुन का इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर में कई तरह के हानिकारक केमिकल होते हैं, इससे खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। सैनिटाइजर जब भी खरीदे थे उसमें ट्रिक्लोसन नाम की चीज तो नहीं है। इससे शरीर के इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को नुकसान पहुंचाता है, इससे एलर्जी भी हो सकती है, साथ ही शरीर के हार्मोन्स को भी नुकसान पहुंचता है। अमेरिका में सैनिटाइजर में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी लग चुका है। सैनिटाइजर में आइसोप्रोपिल एल्कोहल इस्तेमाल होती है, यह शराब में होने वाली अल्कोहल से काफी अलग है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल में शरीर में जाने से नुकसान होता है, इसे बच्चों से दूर रखना चाहिए। सैनिटाइजर लगाने के बाद हाथों को दूर आंखों से दूर रखना चाहिए, नहीं तो जलन हो सकती है। लेकिन कोरोना वायरस के मामले में सैनिटाइजर काफी कारगर है, इसलिए अगर जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो इसे अपने पास रखें, लेकिन घर लौटने पर साबुन से हाथ धोना ना।